नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी का प्रश्न पत्र है और बीपीएससी 66वीं का, और बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पत्र जो लोग नहीं देखे थे या जो लोग पेपर नहीं दिए हुए हैं, कम से कम देख लें कि कैसा किस तरह के प्रश्न हैं और प्रश्न आए हुए थे और क्या क्या था, तो यह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ विवादास्पद प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। अब इसमें आंसर की तो बताना नहीं, आंसर की तो आप लोग इसमें लोग समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। इसमें कुछ विवादास्पद प्रश्न है जिसको लेकर मैं अपनी बातें रखूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न है, दो तीन प्रश्न ऐसे हैं इसमें कि जिसको लेकर लोगों के अंदर यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि भाई नहीं, यही सही है, यह सही है, जबकि वह गलत हो सकता है। और जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह प्रश्न है, तो जैसे मैं एक चीज मैं आपको दिखाऊं, इधर तो सब सही है, एक प्रश्न आपको दिखाऊं जिस पर लोगों के अंदर विवाद बना हुआ है, जो लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पर देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह जो है किस कौन रचयिता है इसके, तो देखिए सूर्यसेन है, चंद्रशेखर प्रसाद है, सरदार भगत सिंह है। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल तमाम लोगों ने किया है, आमतौर पर 99% लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल कर दिया है, जबकि यह रचयिता पूछ रहा है। भाई राम प्रसाद बिस्मिल रचयिता नहीं थे, यह उन्होंने किसी और का वाक्य था, उन्होंने यह बातें कही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लेकिन यह राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, जबकि 99% लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल किया हुआ था। मुझे भी ये जानकारी थी कि राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, लेकिन इसमें बिस्मिल अजीमाबादी ने इसे लिखा हुआ था, रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी थे, जो आपकी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ज्यादा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के तौर पर मैंने सोचा कि शायद सूर्यसेन होंगे, सूर्यसेन पे कर दिया था, तो यह प्रश्न गलत है, जबकि इसमें सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ई होगा, जो डी भी किए हैं उनका गलत ही है, डी वाले कभी सही नहीं होंगे, ये ऑप्शन ई ही माना जाएगा, जबकि 99% लोगों ने, 99 क्या मैं मानूंगा, मैं समझिएगा 100 200 300 लोगों में से शायद ही किसी ने ई ऑप्शन किया हो, सब लोगों ने रामप्रसाद बिस्मिल कर दिया हुआ। देखिए बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ये तो सब सही है, एक चीज मैं दिखाऊं। और यहाँ पर भी यह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न थे कि INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, तो क्योंकि भूला भाई देसाई को सब लोग जानते हैं, भूला भाई देसाई थे, लेकिन साथ में दो तीन लोग और थे, तो इसलिए कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन हुआ कि हो सकता है उन दो तीन लोगों में से भूला भाई देसाई के साथ शायद हो सकते हैं राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे के मुंशी या सरदार पटेल में से कोई हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ई तमाम लोगों ने कर दिया, जबकि बहुत ज्यादा लोगों ने भूला भाई देसाई किया, तो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा ई ऑप्शन कर रहा है, ई ऑप्शन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। तो यह एक और प्रश्न था जो प्राचीन इतिहास से संबंधित था, वो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, जिसमें पूछा गया था कि प्राचीन मगध की राजधानी कौन सी है, तो प्राचीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र सब लोगों ने किया, जबकि प्राचीन मगध की जो राजधानी है वह राजगीर है, राजगीर जो बाद में राजगीर बन गया, और जो बिम्बिसार के समय में राजगीर था, तो ऐसा नहीं हो पाया और बहुत सारे लोगों ने पाटलिपुत्र कर दिया। तो देखिए एक पाटलिपुत्र वाला और एक राम प्रसाद बिस्मिल मतलब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, दो ऐसे प्रश्न थे जो जिसका ऑप्शन ई होना चाहिए, और जबकि ऑप्शन ई तमाम लोगों ने नहीं किया, तमाम लोगों ने जो सुना है, सुना सुनाया बात है, वही उसी आधार पर सब लोगों ने कर दिया हुआ है, तो दो ऐसे प्रश्न हैं। और देखिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का इस जो है जो प्रश्न पत्र है 66वीं का, इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम तो आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा, यह जो 66वीं का हुआ है, और ISPCS फ्री मटेरियल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेंगे तो UPSC UPPSC MPSC RPSC BPSC बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे टेलीग्राम पर, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यही दो तीन प्रश्न थे जो विवादास्पद थे और आप लोगों ने अपने अपने तरीके से सही किए हुए हैं, जबकि सही नहीं होगा, देखिएगा यह जो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल वाले में भी ई ऑप्शन होगा, और यह एंशियंट हिस्ट्री वाला जो प्रश्न है, यह प्राचीन मगध की राजधानी, इसमें भी ऑप्शन ई होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोग को। देखिए यहाँ पर प्रश्न है प्राचीन मगध की राजधानी, यह दो ऐसे प्रश्न है जिसको लेकर मैं अपना वक्तव्य जाहिर कर दिया हूँ, यह ऑप्शन ई वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोग को। रुकिए मैं सारा प्रश्न पत्र भी दिखा दूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग अगर वीडियो को पॉज करके देखने लायक रहे तो देख भी लीजिए। और इसके पहले मैं आप लोग को बताया हूँ कि इसका जो कटाफ है वो कटाफ क्या जाने वाला है, यह आप लोग को दिखाया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को यह PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, धन्यवाद आप लोगों को।